प्यार की पहली दास्तान को शुरू करने वाले कबूतरों की इस कहानी से तो आप भली भांति वाकिफ ही होंगे। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि पहले समय में कबूतरों का इस्तेमाल किसी चिट्ठी या संदेशा पहुंचाने के लिए किया जाता है और इसी वजह से ज़्यादातर लोग इन्हें अपने घरों में पालते हैं। लेकिन अब आपको सावधान हो जाने की बेहद ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही कबूतर अब कई सारी बीमारियों की वजह बन रहे हैं। ये बीमारी दिल की नहीं बल्कि फेफड़े की है, इतनी गंभीर कि आपकी जान भी ले सकती है। ये हैरान करने वाले परिणाम देश भर में 1000 रोगियों पर किए गए शोध में सामने आया। पिछले 2 सालों में इंटरस्टीशियल लंग्स डिजीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये जानलेवा बीमारी है जिसका अब तक कोई इलाज नहीं है, सिर्फ रोकथाम ही इसका बचाव है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अचानक से बढ़े मामले पर चेस्ट फिजिशियन और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मंथन किया और ILD से पीड़ित मरीजों पर रिसर्च करने का निर्णय लिया गया। देश भर के 1000 मरीजों पर विशेषज्ञों ने शोध किया। इसमें सामने आया कि बालकनी और आसपास डेरा जमाने वाले कबूतर दमा, एलर्जी, लंग्स और सांस से संबंधित गंभीर बीमारियों की वजह बन रहे हैं जो आगे चलकर ILD बन जाती हैं। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि जांच में ये पता चला है कि कबूतर झुंड में एक साथ रहते हैं, मल मूत्र त्याग से उनके पंख गंदे रहते हैं, इनमें एक तरह का कीड़ा होता है जो वायरस का कारण बनता है। कबूतर जब उड़ते हैं तो उनके पंख से हवा में माइक्रो फेदर्स और बीट फैलाकर हवा को दूषित करती हैं। ये वायरस सांस के माध्यम से फेफड़े तक जाता है और डैमेज करना शुरू कर देता है, रही सही कसर पॉल्यूशन पूरी कर देती है। तो इसलिए आप थोड़ा अगर कबूतरों से दूर रहेंगे तो ही बेहतर होगा। एक क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।